आज मार्केट में सब्जी खरीदने गई तो ये फ्रेश वाली हल्दी के साथ साथ आंबा हल्दी भी दिख गई। इसको आंबा हल्दी इसलिए कहते हैं कि इसका स्वाद ना थोड़ा थोड़ा सा कच्चे आम जैसा होता है। तो बस देखते ही ख्याल आया कि पिकल्ड आंबा हल्दी बना देते हैं। इससे पहले हल्दी को इस तरह से पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने पिकल करने के लिए आंबा हल्दी के साथ साथ नॉर्मल वाली हल्दी भी ली है। नेचुरल प्रोबायोटिक है और सेहत के लिए तो बहुत ही बढ़िया है और फ्रिज में तो आराम से 20 दिन रहता है। एक जार में कटी हुई हल्दी और बस एक मिर्ची डाल के साइड में रख लेंगे। अब एक जार में उबाल के ठंडा किया हुआ पानी में नमक और नींबू डाल के मिक्स कर लेंगे। स्क्वीज किए हुए नींबू के छिलके भी मैं हल्दी के साथ ही जार में ऐड कर देती हूँ। अब सॉल्टेड वाटर से ऊपर तक जार भर लेंगे और इस तरह से मिक्स करके 3-4 दिन के लिए छोड़ देंगे बाहर ही। ये सॉल्टी एंड खट्टी सी आंबा हल्दी अगर आप दाल चावल के साथ खाओगे ना तो मजा ही आ जाएगा।